नल में पानी ही बड़ी लेट आया आज। तुम्हारे तो रोज का यही रहता है। क्यों इतना भड़क रहे हो? 10 मिनट ही लेट हूं। तुम्हारी भैंस तो नहीं खोल ली मैंने? तुम्हें पता है ना, मुझे दूसरी जगह भी जाना रहता है। मुश्किल से 4 घंटे की नींद मिलती है मुझे। तो यहां भी तुमने क्या करना होता है? सोना ही होता है। बकवास मत करो, कल से 1 भी मिनट लेट आए ना, शिकायत कर दूंगा मैं तुम्हारी। फिर मत कहना बोला नहीं। सुन लिया ना? हाँ सुन लिया। अब देर नहीं हो रही तुम्हें? एक तो पेट भी गड़बड़ हो रहा है, बार बार जाना पड़ता है। चाचा मैं तिलक। चाचा समय आ गया। तेरी भाभी घर पे है, तू वहां चल, वहां चलकर बात करते हैं। तू चल, मैं आता हूँ। चल बुढ़ा पाजी तरकारी लेकर आ गया, मतलब 3-4 दिन तक बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या चाचा, कल कर देते हैं? पक्की बात है ना? कुछ निकलेगा वहां से? अरे निकलेगा क्यों नहीं चाचा, लड़का कब से दुबई में, माल नहीं कमाया होगा। वो मिली ये बात, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो जाएगा ना? बूढ़ा बूढ़ी मर गए तो लफड़ा हो जाएगा। बेहोशी की दवा है चाचा, जहर वहर नहीं है, क्या हो जाएगा। तू तो नहीं बसेगा ना? 4 डंडे तो मारेगी पुलिस, लेकिन उनको मिलेगा कुछ नहीं। मैंने प्लान ऐसा बनाया है, ना मैं फंसूंगा ना तुम तक कोई पहुंच पाएगा। तुम बस दिल पक्का रखो, डर लग रहा है तो अभी बता दो। ना 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 ना, करूंगा करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। अरे बहुत फीलिंग कर ली लाइफ में। पहली बात यह है कि अपना मोबाइल साथ लेकर नहीं जाना, सारी गड़बड़ उसी से होती है, टीवी देखते हो ना। और एक बार फिर से प्लान सुन लो, मैंने आज ही कुंदन को बता दिया है कि मेरा पेट ठीक नहीं है, तो 9 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होती है, उससे ठीक 35 मिनट पहले मैं संडास चला जाऊँ। उसके बाद तुम बिल्डिंग में घुसो, गेट की तरफ कैमरा लगा है, अंदर जाते वक्त उसमें तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए। एक कैमरा लिफ्ट में भी लगा है, तुम लिफ्ट से नहीं सीढ़ियों से जाओ। तुम 20 मिनट तक उनके फ्लैट में रहकर अपना काम पूरा करोगे, ना कम ना ज्यादा। ठीक 9:15 बजे मैं फिर से संडास में घुस जाऊंगा और कुंदन के आने के बाद ही वहां से निकलूंगा। सो इस तरह ना मैं तुम्हें आते हुए देख पाऊंगा और ना जाते हुए। अब क्या करोगे? या रानी दे दो या हाथी। क्यों, कैसी रही? संभालो चेक। सत्यानाश। अब कौन आ मरा?
तो हाँ आओ आओ आओ, आओ, आओ अंदर आ जाओ। मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं अब कौन आ गया है। 20 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और लोगों को लगता है कि हम उनका पैसा मार के चले जाएंगे। ये अच्छा किया दरवाजा बंद कर दिया, अब किसी को पता ही नहीं चलेगा अंदर कोई है। आ जाओ। हाँ, जूता उतारने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। अच्छा लगा था जब तुमने फोन करके बताया कि तुम आने वाले हो, पर आ जाओगे ये पता नहीं था। बैठो। अरे बैठो भी, शर्माओ मत। खेलते हो? चेस आती है ना? थोड़ी थोड़ी सीखी थी, ज्यादा खेला नहीं। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, इसका मतलब मैं आसानी से जीत जाऊंगा। लो चलो। विक्की भी ना जब मेरे साथ खेला करता था तो जानबूझकर हार जाया करता था, मुझे खुश करने के लिए। तुम भी ऐसा करो, ये नहीं कह रहा हूं, तुम तसल्ली से खेलो, अपने तरीके से जीतने की कोशिश करो। मैं भी तो देखूं कि इस दुनिया में कोई इस बुड्ढे को भी हरा सकता है या नहीं। चलो तुम्हारी चाल, सफेद है ना? अरे ये पैदल है, मारता टेढ़ा है, चलता सीधा है। चलो फिर से चलो। गुड इवनिंग। तुम तो तब वहीं रहे होगे ना? कहाँ? दुबई, जब विक्की की डेथ हुई थी। तुमने तो देखा होगा ना उसे? हम नहीं देख पाए थे, वो कंपनी वालों की तरफ से फोन तो आया था, आओ डेड बॉडी ले जाओ या फिर पैसे भेज दो फ्लाइट के, पर मैं गया नहीं, पैसे भी नहीं भेजे। उसकी माँ ने जिद तो बहुत की थी और मेरा भी मन था एक बार देख तो लूं, पर तुम तो जानते ही हो बहुत कुछ देखना पड़ता है। फिर खबर आई कि कंपनी वाले लोगों ने मिलजुल कर सब कुछ किया, वही अंतिम संस्कार वगैरह। थैंक यू बेटा, वहां जाओगे ना तो सबको थैंक्स बोलना मेरी तरफ से। अरे तुम्हें तो उसकी मां से मिलवाया ही नहीं, चलो आओ आओ, बहुत खुश होगी, आओ आओ ना। मेरे का जाग रही हो? देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है।
इतनी देर से आया, माँ की याद नहीं आई तुम्हें? दूध ले आना जी, इसे खीर बहुत पसंद है। हाँ ले आऊंगा ले आऊंगा। अब तुम लेट जाओ, हिम्मत रहेगी तो खीर बनाओगी ना। हाँ लेट जाओ लेट जाओ। हाँ ले आऊंगा ले आऊंगा। हाँ ठीक है दूध ले आऊंगा। लेट जाओ लेट जाओ। खीर बनाएगी। उठा तो जाता नहीं है। वैसे ना इसकी बीमारी ने मुझे ऑलराउंडर बना दिया है। बाई कुक इसकी नर्स। तुमको ना विक्की समझ रही थी। एमनेशिया है ना इसको, और भी कई बीमारियों के साथ भूलने की बीमारी, समझते हो ना? इसे बताया भी था जब खबर आई थी विक्की के डेथ के बारे में। रोई धोई थोड़ी देर बाद भूल गई। मैंने भी कभी याद करवाने की कोशिश नहीं की, सोचा चलो कुछ तो फायदा हुआ भूलने की बीमारी का। अब मैं अगर भूल नहीं रहा तो चाल तुम्हारी थी ना। पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाती है। कभी कभी तो मुझे ही पूछने लगती है, बुड्ढे तू कौन है, मुझे मारने तो नहीं आया? अरे सुनते हो, इधर आओ। अब क्या हो गया? आता हूं आता हूं। अरे क्या घूम गया, क्या ढूंढ रही हो? मेरी दवाइयां नहीं मिल रही। दवाइयां बच्चे नहीं देती हैं, खत्म हो गई होंगी, मैं देखता हूं। हेलो शुभम मेडिकल हॉल, मैं टंडन बोल रहा हूँ लिंक पैलेस से। वो मेरी वाइफ की दवाइयाँ खत्म हो गई थी ना, तो हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन वो जैसे ही पेंशन आएगी मैं कर दूंगा। मुझे मालूम है, वो सारे इकट्ठे कर दूंगा ना। हेलो 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 शुभम मेडिकल हॉल। जादव जी हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वो मैं नहीं दूंगा, मैं कह चुका हूं ना आपसे। क्यों का क्या मतलब? नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। गिरती है तो गिर जाए बिल्डिंग आपकी, मुझे परेशान मत कीजिए।
विक्की के नाम पे फ्लैट है ना, वो आएगा तो उसी से लीजिएगा रिपेयर के पैसे। अभी तो बताया नहीं कि विक्की नहीं रहा, उसी की उम्मीद पर लेनदार चुप बैठे हैं, वरना नहीं तो भेड़ियों की तरह टूट पड़ते। सवाल अलग से उठते हैं, वहां संस्कार किसने किया, कैसे हुआ, परिवार के बिना हो गया सब कुछ। तुमने चीटिंग तो नहीं की? चलो चलो चाल चलो तुम चलो। मैं विक्की के साथ खूब चीटिंग किया करता था, उसको पता भी चल जाता था, पर वो कुछ कहता नहीं था। तुम सोचते बहुत हो। चलो वो पेंटिंग देखी है, 5,000 रुपए की ली थी विक्की ने दुबई में रॉकरी रखने के बाद। विक्की को हॉर्स राइडिंग का बड़ा शौक था, मैं उसे रोज चूहू पे ले जाया करता था हॉर्स राइडिंग के लिए। क्या ख्याल है, कितने में बिक जाएगी? अरे यार ये औरत भी, अब क्या हो गया? ये क्या कर रही हो तुम? देख नहीं रहे हो विक्की के खिलौनों पर कितनी धूल जम गई है? स्कूल से आएगा तो छीक छीक के बुरा हाल हो जाएगा उसका। ये कौन है? वो हमारे नए पड़ोसी आए ना, वो है। अच्छा। बच्चे हैं तुम्हारे घर में? जी नहीं। होते तो अच्छा होता, विक्की को खेलने को साथ मिल जाता। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, जाओ ना। अच्छा, करो काम करो। अंकल मैं चलता हूं। अरे ऐसे कैसे, तुमने तो कुछ खाया पिया ही कुछ नहीं है। बिना दूध की चाय पीते हो ना, ब्लैक टी? नहीं नहीं अब मुझे चलना होगा। अच्छा, पर वो अभी हमारी गेम भी पूरी नहीं गेम हुई। तो अंकल आप जीत गए, मैं तो खेल ही नहीं पाया। अरे हाँ अंकल, जिस काम के लिए मैं आया था वो तो मैं भूल ही गया। ये विक्की से मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, इससे पहले कि मैं चुका पाता ये रख लीजिए आप। विक्की से लिए थे? हेलो शुभम मेडिकल हॉल? हाँ वो मैं टंडन बोल रहा हूँ, वो मेडिसिन भेज दीजिए और अपने पैसे ले जाइए। हाँ सारे। हाँ।